आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस तमांग उर्फ पीएस गोले एक साल बाद जेल से रिहा हो गए हैं। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले आज एक साल का जेल के कारावास के बाद आज यहां जेल से मुक्त हो रहे हैं और इसके बाद वहां एक सिंगता में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज जो सिक्किम की स्टेट जेल है, स्टेट जेल के बाहर उनके हजारों समर्थक एकजुट हुए। सिक्किम की विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लिए गोले की रिहाई का यह दिन किसी महोत्सव से कम नहीं है, इसलिए पार्टी आज इस मौके पर जनमुक्ति दिवस मना रही है। गंगटोक के रोंगे स्टेट जेल से निकाली गई रैली में हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। यह रैली गंगटोक के विभिन्न स्थानों से गुजरी जहाँ गोले का स्वागत किया गया। एसकेएम सुप्रीमो पीएस गोले को राज्य के मिल्चिंग गाय वितरण योजना की राशि में 9.5 लाख रुपयों के घोटाले के आरोप में पिछले साल 28 जून को सिक्किम हाईकोर्ट ने आरोपी ठहराया था। इसके बाद 10 अगस्त 2017 को ही गोले ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अरे क्यों डरेगा, अरे वो 21st सेंचुरी का अगर वो लीडर है, वो लीडर बनता है तो वो किसी को सत्ता हस्तांतरण करना चाहे तो वो नहीं करता है। वो एक वन मैन है, वो एक कंपनी चलाता है, कंपनी वही चलाता है। इसीलिए आज यहाँ पर एसडीएफ सरकार जनता का सरकार नहीं, एक कंपनी का सरकार चल रहा है। लेकिन उसके जो सिंहासन है, आज का हमारा सबसे मुख्य कार्यक्रम है कि पीएस गोले को संपूर्ण सिक्किम के जनता से उसको स्वागत करना और अभिनंदन करना, और जनता के खातिर और परिवर्तन के खातिर जिस क्रांति को नेतृत्व करने के लिए उसको सजाए के रूप में सरकार ने जेल भेजा, उसके लिए जनता की तरफ से उनको आभार देना है, उनको जनता की तरफ से अभिनंदन करना है। और आज सिक्किम का संपूर्ण जनता आज एक विजय उत्सव के रूप में ये दिन को पालन कर रहा है और इसको जन उन्मुक्ति दिवस के रूप में पालन कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में एचआईवी के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक शरीर में सुई के जरिए नशीले पदार्थों को लेने से और असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से एचआईवी के मामलों में इजाफा हुआ है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको के द्विवार्षिक अध्ययन में मिजोरम में सबसे अधिक यानी 1.19% एचआईवी के मामले पाए गए हैं। वही नागालैंड में यह आंकड़ा 0.82, मेघालय में 0.73, त्रिपुरा में 0.56 और मणिपुर में 0.47% है। मेघालय के लोग आम तौर पर संगीत प्रेमी हैं। यहाँ के लोगों के नस नस में संगीत बसा हुआ है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल कर चुके शिलोंग चैम्बर कॉयर ने जब से इंडियाज गॉट टैलेंट शो जीता है, तब से यहाँ संगीत का भविष्य उज्ज्वल नजर आ रहा है। मेघालय के संगीत की दुनिया में अब एक और नया म्यूजिकल बैंड जुड़ गया है। केसी लाइट स्क्वायर नामक इस म्यूजिकल बैंड के सदस्य किडीज कॉर्नर स्कूल के विद्यार्थी है, जिन्होंने 11वें अंतर्राष्ट्रीय क्वायर कंपटीशन ग्रैंड पिक्स थाईलैंड 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। इस बैंड की सफलता के बाद अब इन्हें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में गाने के लिए आमंत्रित किया गया है। बेसिकली वी स्टार्टेड ऑफ अ क्वायर इन द ईयर 2013 बिकॉज एट द टाइम वी जस्ट फिनिश्ड आवर स्कूल कॉन्सर्ट एंड देन मेनी ऑफ द चिल्ड्रन वर वांटिंग टू कंटिन्यू सिंगिंग, सो वी थॉट व्हाई नॉट फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट टुगेदर हु लव म्यूजिक, सो वी गॉट टुगेदर, वी स्टार्टेड सिंगिंग, so we were invited out to sing in other in St Mary's College. That was our first public performance, which was fabulous. So yeah, then after that it just carried on. We never ever thought that we would take part in competitions like we just took part in this year. We never ever dreamed of that. But then as the years went by, things got better. They improved. We heard about the competition in Colombo last year, so we took part in it. And God blessed us by helping us to get a silver. We got the silver grade 10 diploma, which was, I think, a great feat for us, being the first time going out of the country and representing our country.
And basically what I want to do is to get the rest of the world to know about the Khasi folk music. So that's why this year we are focusing on traditional music more than modern music. जनजाति महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से धर्मनगर सब डिवीजन के तहत बागपासा फॉरेस्ट बीट ऑफिस में उन्हें टेराकोटा का प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण कौशल विकास के अंतर्गत दिया गया है। इस कला का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद विद्यार्थी चिकनी मिट्टी से कलश आदि का निर्माण कर सकेंगे। 26 अगस्त से अगले 4 महीने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस अवधि के दौरान लड़कियों को प्रतिदिन 108 रुपए दिए जाएंगे। ट्रेनिंग शुरू हो गया 4 महीने के लिए स्किल डेवलपमेंट उसका अंडरटेक जाइका प्रोजेक्ट का। ये गांव का लोग 30 लोग लेके आके ये टेराकोटा ट्रेनिंग देता है। इसमें बहुत मॉडल भी है, हम कम से कम 200 मॉडल हम ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग खत्म होने का बाद ये लोग का 10-10 लोग मिलके एक ग्रुप बनाएगा, SSG ग्रुप का। एक ग्रुप का सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल डेवलपमेंट का। सर्टिफिकेट मिलने से बाद कौन कौन का सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट दे के बैंक में मुद्रा लोन मिलता है। 10 लोग का 10 लाख लोन मिलता है, इसका 0 इंटरेस्ट का नहीं। वो उसका बाद ये लोग अपना अपना से बना के वो बिक्री करके थोड़ा थोड़ा बैंक में जमा करने से। आफ्टर वी मेक दिस थिंग एंड ऑल वी टू मेक फॉर डेकोरेटिंग एंड ऑल एंड वी नीड टू कलर आल्सो एंड everything this with mud and all we need to practice also and our teacher also she's making to learn us and good things and all and she try to help us how to make this ganta and all everything these things and all and we are 30 people. We are practicing these days, and from 26 June we are practicing and starting from in Bagbasa.